आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड पेड के बारे में। वर्ड पेड क्या होता है? वर्ड पेड एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका काम क्या है, विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक। इसको हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके अपने ये जो आ रहा है इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। अब यहाँ पर समझना में ये है कि भाई इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये इसका पूरा जो ऊपर आ रहा है बना हुआ, इसका टाइटल बार है, ये वाला हिस्सा जो बना हुआ आ रहा है, ये इसके बराबर में क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है, ये ओपन का बटन है, ये सेव का बटन है, और यहाँ से हम मुख्तलिफ बटन्स को इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ये फाइल का मेन्यू है, जहाँ से आप न्यू, ओपन, सेव, सेवेस कर सकते हैं फाइल्स को। और इसके अलावा ये ऑफिस रिबन है इसका पूरा, जिसमें ये होम टैब है, ये व्यू टैब है, जिसमें से आप इसको जूम इन और जूम आउट करके अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं। अगर ज़्यादा जूम इन हो जाए तो 100% यहाँ से करके देख सकते हैं, जूम आउट हो जाए तो यहाँ से भी 100% करके देख सकते हैं। रूलर को ऑन कर लें, ऑफ कर लें, स्टेटस बार को ऑन कर लें, ऑफ कर लें, ये चीज़ यहाँ से की जा सकती है। होम टैब में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अनइटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अनअंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट्स का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे चेंज कर, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज करने के बाद यहाँ से हम इसका जो है और कलर चेंज कर सकते हैं, और दोबारा से इसका कलर ब्लैक रख सकते हैं। यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर फिर से जाके नो कलर करके दोबारा से सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉपी पेस्ट के, कट पेस्ट के ऑपरेशन भी सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंटर करेंगे नीचे आके इसको यहीं पे कर्सर से पेस्ट कर सकते हैं। सपोज टू बी इस लाइन को यहाँ से हमने कट किया और इसको यहाँ पर रख के पेस्ट कर सकते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट यहीं से हो जाता है। अब आते हैं इसके फॉन्ट साइज़ के ऊपर, तो हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया का सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज़ बढ़ा के कम कर सकते हैं, और इसके फॉन्ट को भी अलग से चेंज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ से इसका फॉन्ट अलग चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट अलग चेंज कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं हमारे यहाँ पे इस तरीके से इनके अलग से चेंज किए जा सकते हैं। अब आते हैं बुलेट्स के ऊपर, तो बुलेट्स कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ से सबसे पहले हमने लिखा देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के नाम लिखा, जैसे CPU, LCD, कीबोर्ड एंड माउस। उसके बाद हमने इनको हाईलाइट करना है, तो सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर दिए। यहाँ पे बुलेट डिफरेंट हैं, नंबर बुलेट्स भी हो सकते हैं, लेटर्स बुलेट्स, अल्फाबेटिक बुलेट्स और रोमन बुलेट्स और कैपिटल रोमन बुलेट। जो बुलेट अप्लाई किया उसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल करके यहाँ से इनको इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं आगे की तरफ, और इसको पीछे भी कर सकते हैं। प्लस पे रह गया लाइन स्पेसिंग बीच की, तो यहाँ से इनके लाइन स्पेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वन लाइन, 1.15 लाइन गैप, 1.5 लाइन गैप, 2 लाइन गैप्स, और उसको दोबारा से 1 लाइन गैप पे भी ला सकते हैं। सिमिलरली हर लाइन के साथ इस तरह से आ रहे होगा लाइन गैप, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब लाइन के बाद भी अगर आपको पैराग्राफ स्पेस ख़त्म करना है, तो यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है 8-10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का, इस पे से भी चेक हटा के इसको ख़त्म कर सकते हैं, इससे और स्पेस इनका बीच का कम हो जाएगा, और ऐड भी करा सकते हैं और यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करानी है, तो यहाँ से क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी पिक्चर रखी हुई है वहाँ जाके आप इसके अंदर कोई भी पिक्चर ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर ये पिक्चर ऐड करा दी, ये पिक्चर ऐड हो गई। इस पिक्चर को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको रीसाइज़ करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। इसके पोजीशन को चेंज करना है तो यहाँ से राइट, सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये एक और इसकी डुप्लीकेट पिक्चर दे देगा, पर ये कहीं और रख के हमें क्लिक करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर भी एक और पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स भी प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं फाइंड और रिप्लेस के ऑपरेशन की तरफ, तो यहाँ क्लिक करेंगे फाइंड के ऊपर, जो भी वर्ड या लेटर आपने सर्च करना है तो वो आप यहाँ टाइप करेंगे। सपोज टू बी यूज्ड हमने यहाँ पे लिखा और फाइंड किया तो इसने हमें ढूंढ के बता दिया। और इसी तरीके से अगर हम दोबारा से शुरू में क्लिक करेंगे, अपने कर्सर की पोजीशन को सेट करेंगे, यहाँ मैं राशिद लिख रहा हूँ और फाइंड करवा रहा हूँ, तो ये देखें कह रहा है ये लफ्ज़ यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहा और ये इसके अंदर फाइंड नहीं हो रहा। इसके बाद क्लिक करके आपने रिप्लेस पे आ गए, रिप्लेस पे आके आपने इस वर्ड की जगह तो दूसरा वर्ड लेना है। सपोज़ आपने लिखा हुआ है कहीं पे क्रिएट, वहाँ पर आपने लेना है मैक, तो क्रिएट को ऊपर लिख दिया और मैक को नीचे लिख दिया।
रिप्लेस किया तो पहला क्रिएट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद जैसे रिप्लेस रिप्लेस तो ये देखिए क्रिएट मैक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मैंने कहा जहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स उसको रजिस्टर में कन्वर्ट कर दो, तो डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा है रजिस्टर रिप्लेस ऑल किया तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो गए रजिस्टर्स के अंदर। तो ये काम भी आप इस पर बखूबी यहाँ से ले सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक लाइन का हो या एक से ज़्यादा लाइंस का हो, और ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम फाइल को सेव वगैरह कैसे करते हैं, ये जो हमने इसके ऊपर काम वगैरह किया तो फाइल को सेव करने का क्या मेथड है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाउ टू सेव फाइल इन वर्ड पेज। तो सेव करने के लिए हमारे पास सेव की कमांड है और एक सेव एज की कमांड है, और दोनों में फ़र्क ये है सेव की फाइल की कमांड जो होगी वो तो पहली दफ़ा आपसे फाइल का नाम पूछेगी किस नाम से सेव करना है, और ऑल टाइम जब आप उसको सेव करते जाएंगे उसी को अपडेट करती जाएगी। सेव एज की कमांड क्या काम करेगी कि एक दफ़ा आपसे हर दफ़ा ही एक नया नाम पूछेगी और सेम डेटा के साथ आपकी फ़ाइल को सेव कर देगी। तो अभी हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, तो सेव करने के लिए फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे, और सेव की एक शॉर्टकट कमांड यहाँ पर भी आ रही है क्विक एक्सेस टूल बार में, कहीं भी क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें या यहाँ क्लिक कर लें, ये सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपसे पूछ रहा है कहाँ पर इसको सेव करना है। तो आपने बताया कि मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है और मैंने यहाँ पर एक वर्डपेड फाइल का फोल्डर बना रखा है, अगर नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक फोल्डर बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम अनिश रख दिया, अनिश के अंदर जाके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और इसका नाम मैंने रख दिया क्लास 01 इंट्रोडक्शन टू अनिश, ठीक है, और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया या इंटर कर दिया तो मेरी फाइल सेव हो गई। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सेव एज करूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ अनिश डॉक्यूमेंट, तो ये अब अनिश डॉक्यूमेंट के नाम से भी सेव हो गई, दोनों में डेटा सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने कुछ चेंजेस करी, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसके कलर्स वगैरह को चेंज किया और चेंज करने के बाद फिर मैंने इसको सेव पर क्लिक कर दिया तो ये फाइल उसी के ऊपर अपडेट हो गया, जो मैंने नाम रखा हुआ था उसी पेज ने अनिश पे अपडेट हो गया, ठीक है। अब फाइल कोई न्यू फाइल कैसे लेंगे, यहाँ क्लिक करके अब क्या करेंगे, न्यू करेंगे, एक और न्यू फाइल हमारे सामने आ जाएगी और इसके अंदर हम जो चाहें लिख सकते हैं, जैसे हम कोई लेटर लिख सकते हैं, लेटर टू प्रिंसिपल ये हमने लिख दिया और सेलेक्ट करके इसको फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दिया और यहाँ से सेंटर कर दिया, इंटर कर दिया। अब इस फाइल को सेव करने के लिए दोबारा गए सेव पे क्लिक किया तो हमसे पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, तो हमने कहा क्लास 02 लेटर और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये देखें इसके अंदर सेव हो गया। फाइल को फाइल में सेव नहीं कर सकते, फोल्डर को फाइल में, फोल्डर को फोल्डर में, फाइल को फोल्डर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पुरानी फाइल ओपन करके देखना चाहते हैं तो पुरानी फाइल ओपन करने के लिए ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा या हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट में भी उनके नाम आ रहे होंगे जो हमने पहले इसके अंदर खोली हुई है, तो ये देखें। और अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ फाइल में जाके ओपन करना है, जो हमारी फाइल्स हैं वहाँ पर जाना है, यहाँ से आइकन्स को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है और जिस फाइल को ओपन करना है उसको क्लिक करके ओपन करेंगे वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर, मिसाल के तौर पे ये फाइल भी हमारी सेव हो गई। अब यहाँ पे अंडू और रीडू कैसे काम करते हैं, देखें अंडू मतलब जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया है उस एक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसको हम कहेंगे अंडू। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज किया, मैंने इसको बोल्ड किया और इसका फॉन्ट चेंज किया, ये सारे मैंने एक्शन इस पर परफॉर्म कर दिए, इन सारे एक्शंस को मैं अंडू कर सकता हूँ, जैसे अंडू अंडू एंड अंडू, जितने एक्शन आप एक एक्टिव फाइल में क्रिएट करेंगे उन सारे एक्शंस को ही आप रिवर्स कर सकते हैं, और जितने एक्शंस आप रिवर्स करेंगे एक्टिव फाइल में उन्हीं एक्शंस को दोबारा से फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे करेंगे रीडू रीडू एंड रीडू, यहाँ से आप इसको रीडू कर सकते हैं। तो ये अंडू और रीडू इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सेव और सेव एज, ओपन और न्यू का, तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए। अब उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, अगर हम इससे बाहर आना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, पहले हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे एंड देन फाइल में जाकर इसको क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। दोबारा से लोड करना चाहें तो वर्ड पेड यहाँ से लिखेंगे और क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने लोड हो जाएगा। इसका आखिरी टैब है व्यू टैब, ये मैं पहले बता चुका था जूम इन और जूम आउट करके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं, जूम इन और जूम आउट के ऑपरेशन हम यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है।